मॉर्निंग बच्चों, राज फिजिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 12th क्लास के भौतिक विज्ञान की बात करेंगे, जिसमें पहली यूनिट है स्थिर वैद्युतिकी। और इसमें जो पहला पाठ है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र है। स्थिर वैद्युतिकी की जब बात करते हैं तो उसमें आवेश की स्थिरता की बात अर्थात स्थिर आवेश की बात करेंगे जो गति ना करे। और इसमें जो पहली हेडिंग है वो विद्युत आवेश है, जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रश्न उठता है कि वैद्युत आवेश क्या होता है, अर्थात व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस। ये एक प्रकार की अज्ञात राशि होती है। बहुत पहले लगभग 600 ईसा पूर्व की बात है, ग्रीस देश के वैज्ञानिक थेल्स साहब ने इसके बारे में बताया था कि जब एम्बर नामक पदार्थ को किसी से रगड़ा जाता है या आपस में रगड़ा जाता है तो पदार्थ में कुछ ऐसे गुण आ जाते हैं जो छोटे छोटे कणों को, पार्टिकल्स को, कागज इत्यादि के जैसे कागज के टुकड़े हों और भी हल्के पार्टिकल्स जो भी हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। वस्तुओं में ये जो आकर्षण का गुण, प्रतिकर्षण भी होता है, आकर्षण का जो गुण उत्पन्न हो जाता है इसी को वैद्युत आवेश कहा गया है। इसके बाद और भी लोग हुए जो इसके बारे में भिन्न भिन्न समयों में अपनी जानकारी देते रहे। लगभग 16वीं शताब्दी के आसपास गिलबर्ट साहब ने बताया कि जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो उनमें कुछ ऐसे गुण उत्पन्न हो जाते हैं जो बहुत हल्के पार्टिकल्स को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। ये जो आकर्षण का गुण उत्पन्न होता है इसी को वैद्युत नाम दिया गया। और ये एक मूल प्रॉपर्टी होती है वस्तु की, फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। और इस आवेश को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मात्रक एसआई प्रणाली में कूलांब होता है। कोई भी जब दो पदार्थ आपस में रगड़ते हैं तो उनमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। उदाहरण के लिए यदि सूखे बालों में कंघी करें और कंघी को कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेकर जाएं बहुत करीब तो कुछ कागज के टुकड़े उस कंघी से चिपक जाते हैं। ये प्रैक्टिकल आप लोग जो है खुद ही स्वयं कर सकते हो, देख सकते हो। इसी प्रकार आगे हम बात करेंगे, यदि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाए और एक और कांच की छड़ लिया जाए उसको भी रेशम से रगड़ें और दोनों को एक दूसरे के संपर्क में ले जाएं तो आप क्या देखते हैं, ये छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं अर्थात एक दूसरे को ढकेलती हैं, यानी प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगता है। अगर हम एक प्लास्टिक की छड़, दो छड़ें प्लास्टिक की ले लें और बिल्ली की फर से उसे हम रगड़ें और उनको भी आपस में एक दूसरे के पास लेकर जाएं, एक दूसरे के करीब लेके जाएं तो क्या देखने को मिलता है,
कि ये क्षण भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। यदि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ें और प्लास्टिक की छड़ को बिल्ली की फर से रगड़कर एक दूसरे के संपर्क में लाएं, तो बड़ा अचरज देखने को मिलता है। आप देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे से चिपक जाती हैं, अर्थात एक दूसरे को आकर्षित कर लेती हैं। अब ये प्रश्न उठता है, ये दो प्रकार के गुण कैसे उत्पन्न हो गए? सन 1750 में वैज्ञानिक बेंजामिन एवं फ्रैंकलिन साहब ने बताया कि आवेश दो प्रकार की होती है, और वो कौन से दो प्रकार हैं इसके बारे में बताया। आपने बताया कि जब हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो उस पर जो भी चार्ज डेवलप हुआ है उसे पॉजिटिव चार्ज नाम दिया, धनात्मक चार्ज कहा, और प्लास्टिक की छड़ को बिल्ली की फर से रगड़ने पर उस पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसे ऋणात्मक चार्ज नाम दिया उन्होंने। इस प्रकार से धनात्मक और ऋणात्मक आवेश की खोज हुई, और इसका श्रेय मिस्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन को जाता है, जो कि 1750 में आपने खोज की। इसके बाद से क्लियर हो गया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, किंतु ये जरूरी नहीं कि सदैव कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर उस पर जो है धनात्मक चार्ज ही डेवलप हो। वो वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है, उसकी प्रॉपर्टी कैसी है, किंतु उन्होंने ऐसा नाम दे दिया। बच्चों, यदि हमें देखना है कि किसी वस्तु पर कोई चार्ज है तो उसका नेचर कैसा है, अर्थात ये धनात्मक है या ऋणात्मक है, तो हम कैसे देखेंगे? आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले कोई हमारे पास ऐसा चार्ज हो जिसके बारे में हम जानते हो कि वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है, फिर दूसरे चार्ज जिसके हमें टेस्ट करना है, देखना है कि वो उसका नेचर कैसा है, तो उसके पास लेके जाएंगे। अगर हम धनात्मक चार्ज को लेके रखें अपने पास और टेस्ट करने वाले चार्ज को हम देखते हैं कि कैसा है, तो उसके पास ले जाएंगे। अगर प्रतिकर्षित हो जाती है वो वस्तु तो जान लीजिए कि वो धनात्मक चार्ज है, और यदि आकर्षित हो जाती है तो इससे पता लगता है कि उस पर जो चार्ज है वो निगेटिव चार्ज है, क्योंकि विपरीत आवेश जो होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और एक ही प्रकार के जो आवेश होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये आवेश की मूल प्रॉपर्टी है, मूल गुण है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो किस प्रकार से हैं वैद्युत आवेश की। अगली हेडिंग में हम देखेंगे वैद्युत आवेश के मूल गुण। पहला है मूल आवेश, अंग्रेजी में फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज, आइए देखते हैं कि ये मूल आवेश होता है। आप लोग लिख सकते हैं या
आप लोग समझ सकते हैं और जो इसका नोट्स है वो आपको प्राप्त हो जाएगा बाद में। मूल आवेश क्या होता है? किसी वस्तु पर उपस्थित वह न्यूनतम आवेश की मात्रा जिससे कम आवेश संभव नहीं होता है या जिससे कम आवेश संभव ना हो उसे हम मूल आवेश कहते हैं, अंग्रेजी में फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। और मूल आवेश का जो मान होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई बराबर होता है 1.6×10^-19 कूलम, ये वैल्यू होती है। और इलेक्ट्रॉन पर हम शो नहीं कर रहे हैं, निगेटिव चार्ज होता है, ये यहाँ पर निगेटिव होता है, माइनस का यहाँ लगता है। और अगर प्रोटॉन होता है तो इतना ही चार्ज होता है और वहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है, इतने कूलम का ऋण आवेश होता है। लेकिन जब हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे अर्थात परिमाण की बात करेंगे तो फिर ये निगेटिव चार्ज, निगेटिव साइन हट जाता है, ऋणात्मक चिन्ह जो उसको नहीं दिखते हैं। लेकिन वास्तव में जो होता है वो ऋण में होता है, इसलिए यहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ हम दर्शा देते हैं, जहाँ नहीं जरूरत पड़ती है वहाँ ऐसे सिंपली लिख देते हैं। तो बच्चों आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि मूल आवेश का मान कितना होता है, 1.6×10^-19 कूलम, ये वैल्यू होती है मूल आवेश। क्वेश्चन उठता है कि मूल आवेश का मान इतना क्यों होता है, इतना ही क्यों लिया जाता है, इतना ही क्यों बताया गया? इसके बारे में वैज्ञानिक मिलिकॉन साहब ने 1909 में बताया था, जानकारी दी थी, अर्थात इसकी खोज मिलिकॉन साहब ने किया 1909 के करीब लगभग। अब हम इस प्रश्न को समझेंगे कि मूल आवेश का मान इलेक्ट्रॉनिक आवेश के बराबर क्यों होता था, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर क्यों होता है। इसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा परमाणु मॉडल में जाना पड़ता है। आप जैसा कि कई बार देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं परमाणु मॉडल के बारे में, 11th में भी हम चर्चा कर चुके हैं कि किसी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो एक होती है, कम से कम 1, 2, 3 इस टाइप से होती है, यानी पूर्ण नंबर में होती है, ना कि पार्ट में होती है, फ्रैक्शन में होती है। तो जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है तो चार्ज भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, और कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो हो ही सकता। जैसे हम हाइड्रोजन परमाणु का उदाहरण ले लें तो उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन होना अनिवार्य है, तो कम से कम चार्ज भी एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। अगर किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उस पर जो आवेश की वैल्यू होगी वो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी। 3 इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु में मौजूद हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होगा। 50 इलेक्ट्रॉन है तो 50 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो मूल आवेश है, न्यूनतम आवेश किसी वस्तु पर उपस्थित है वो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर ही हो सकता है, इसीलिए मूल आवेश को हम इलेक्ट्रॉनिक आवेश के बराबर कहते हैं, अर्थात मूल आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। तो आप सबको मालूम हो गया कि मूल आवेश की वैल्यू हम इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर लेते हैं, और इसकी जो वैल्यू है वो 1.6×10^-19 कूलम के बराबर होती है। अब हम पॉइंट नंबर 2 के बारे में देखेंगे।
परमार्थता। इसके बारे में भी वैज्ञानिक मिल्कान साहब ने ही बताया था और 1909 में ही बताया था कि आवेश की परमार्थता क्या होती है। किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज ही संभव है, न कि भिन्नात्मक मान। अर्थात किसी वस्तु पर अगर हम देखें तो चार्ज की जो वैल्यू है, आवेश की जो मात्रा है, वो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकती है, दो इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकती है, तीन इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकती है, न कि आधे इलेक्ट्रॉन के बराबर, डेढ़ इलेक्ट्रॉन के बराबर, साढ़े तीन इलेक्ट्रॉन के बराबर, इस टाइप से संभव नहीं होती। अर्थात किसी वस्तु पर जो आवेश की मात्रा है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज ही संभव है, ना कि इलेक्ट्रॉन का भिन्नात्मक मान। अर्थात किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जो आवेश की वैल्यू है वो ई हो सकता है, टू ई हो सकता है, थ्री ई इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, इस प्रकार से। और भी ये जर्नल में हम एन ई इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, एन पूर्णांक है, एक दो तीन चार आठ, एन बराबर एक दो, ना कि एक बटा दो ई, तीन बटा दो ई, आठ, इस टाइप से संभव नहीं। जैसा कि अभी अभी हमने चर्चा किया था कि किसी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो पूर्णांक ही संभव हो सकती है, एक दो तीन, ना कि ढाई इलेक्ट्रॉन, साढ़े तीन इलेक्ट्रॉन, तो आवेश की वैल्यू भी ऐसा संभव नहीं है, बल्कि इस प्रकार से संभव हो सकती है। तो वस्तु पर जो आवेश की ये प्रॉपर्टी है, ये जो गुण है आवेश की, इस गुण को ही हम आवेश की परमार्थता कहते हैं। अंग्रेजी में देखें तो एटॉमिसिटी ऑफ द चार्जेस, चार्ज की एटॉमिसिटी कहते हैं। अब तीसरी प्रॉपर्टी देखेंगे, अर्थात तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, एडिशन ऑफ चार्जेस, यानी किस प्रकार से हम आवेश को जोड़ते हैं। आवेश
इसको हम किस प्रकार से जोड़ते हैं। तो बच्चों यदि किसी वस्तु पर भिन्न भिन्न आवेश दिए जाएं, जैसे कोई वस्तु किसी आवेश के निकाय से बनी हुई है, जैसे किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा Q1, Q2, Q3, Qn, तो उस वस्तु पर जो संपूर्ण आवेश की वैल्यू है वो सभी आवेशों के बीज गणितीय योग के बराबर होगा। अर्थात यदि कुल आवेश की वैल्यू Q है तो Q बराबर Q1 प्लस Q2 Q3 अर्थात जब भी हम सम करेंगे अर्थात योग करेंगे कुल आवेशों को, तो आवेशों को चिन्ह सहित जोड़ेंगे, इसी को हम बीजगणितीय योग कहते हैं। यदि उदाहरण के लिए हम देखें किसी वस्तु पर 5 आवेश हैं प्लस 5 कूलम प्लस का 7 कूलम प्लस का 3 कूलम माइनस का 2 कूलम माइनस का 10 कूलम इस प्रकार से, और टोटल चार्ज की वैल्यू हम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करें, तो जो कैपिटल क्यू होगा वो कितना होगा 5 कूलम प्लस 7 कूलम प्लस 3 कूलम माइनस प्लस और फिर माइनस 2, इसमें ब्रैकेट लगा लेंगे क्योंकि इसमें माइनस चिन्ह है, प्लस माइनस 10 कूलम। इनको हम ओपन करें इंप्लाइज कैपिटल क्यू बराबर 5 और 7 जोड़ के 12 हो जाएंगे, 12 × 3 = 15 हो जाएंगे, और इधर माइनस के जो जोड़ेंगे 2 और 10 माइनस में है तो 12 हो जाएंगे, और इधर प्लस का 15 है तो प्लस में 15 कूलम माइनस में 12 कूलम। तो जब हम टोटल की बात करेंगे इंप्लाइज कैपिटल क्यू बराबर प्लस का 6 कूलम। ये जो जोड़ने की प्रॉपर्टी है आवेशों की, इसे ही हम आवेश की योजिता कहते हैं। अब हम चौथी प्रॉपर्टी की बात करेंगे, चौथा पॉइंट आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण अर्थात कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
सीधा सा मतलब होता है कि आवेश संरक्षित रहता है, यानी ना तो आवेश उत्पन्न होता है और ना नष्ट होता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, अर्थात स्थानांतरित हो जाता है। किंतु अगर हम कुल चार्ज की बात करें तो कुल चार्ज नियत रहता है, इसी को आवेश का संरक्षण कहते हैं। ये भी एक मूल गुण है आवेश का। अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें तो आपने नाभिकीय विखंडन की बात पढ़ रखी होगी छोटे क्लासेस में। जैसा कि हम जानते हैं, पहला उदाहरण है कि नाभिकीय विखंडन की बात करें, जब नाभिकीय विखंडन में यूरेनियम 235 को जब हम एक न्यूट्रॉन से बम बारी कराते हैं तो ये न्यूट्रॉन इसमें ऐड हो जाता है। इस बमबारी के पश्चात जो यूरेनियम है बेरियम और क्रिप्टॉन में दो भागों में टूट जाता है और साथ में 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं और ढेर सारी एनर्जी निकलती है, मुक्त होती है, अर्थात बेरियम। इसका परमाणु क्रमांक 56, 144 और प्लस क्रिप्टॉन किया, इसका परमाणु क्रमांक जो होता है 36 और 89 प्लस 3 न्यूट्रॉन्स। इसको ऐड कर लें, देख लें कि ये संतुष्ट हो रहा कि नहीं। 144 है, 89 है, और ये 3 न्यूट्रॉन इसमें ऐड हो जाएंगे, 9 3 12 12 4 16 8 4 12 13 236। यहाँ भी देखें, लेफ्ट में अगर हम देखें 1 और 235 236 हो गए, यानी हम लोगों का सिस्टम सही है। ये तो द्रव्यमान संख्या को अब हमने देखा, ये संतुष्ट हो रहे हैं एक दूसरे से। अब जो मेन प्रॉपर्टी की बात करना है, आवेश का संरक्षण, यानी आवेश संरक्षित रहता है, यानी रिएक्शन के पहले का टोटल चार्ज रिएक्शन के बाद का टोटल चार्ज बराबर होना चाहिए। तो हम पहले की बात करें, आवेश प्लस 36, इसमें चार्ज है नहीं, जीरो है, और ये एनर्जी है, तो इधर हम ऐड कर लें, यूनिट बराबर 92 यूनिट। अर्थात हम देखते हैं कि विखंडन के पूर्व का टोटल चार्ज 92 यूनिट है और विखंडन के बाद का भी टोटल जो चार्ज आया है वो 92 यूनिट है। इससे कंफर्म हो जा रहा कि जो
विखंडन के पूर्व का चार्ज टोटल चार्ज बराबर विखंडन के पश्चात का टोटल चार्ज। इसी को कहते हैं आवेश का संरक्षण, अंग्रेजी में कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज, यानी आवेश का संरक्षण। आवेश एक दूसरे में शिफ्ट हो सकता है लेकिन नष्ट नहीं होता है ना ही उत्पन्न होता है। दिस इज नथिंग बट कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज। ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है आवेश की। दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं हम लोग, और ये चीजें हम नाभिकीय विखंडन में चैप्टर पड़ेगा उसमें हम अध्ययन करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, सेकेंड, जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन आपस में मिलते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो वे एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं, अर्थात एक दूसरे का विनाश कर देते हैं, और इसके पश्चात दो गामा फोटॉन्स उत्पन्न होते हैं। रिएक्शन देख सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन जिस पर निगेटिव चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन, प्लस का एक यूनिट चार्ज होता है जिसको हम पॉजिट्रॉन कहते हैं। पॉजिट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल्स होता है, यानी अपोजिट होता है। आवेश जो होता है एक यूनिट चार्ज होता है, यानी जितना आवेश इलेक्ट्रॉन का होता है उतना ही पॉजिट्रॉन पर होता है, किंतु नेचर में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो जब दोनों मिलते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं, और यहाँ पर दो गामा फोटॉन्स, गामा फोटॉन आगे हम पढ़ेंगे। फोटॉन का सीधा मतलब होता है एनर्जी से, यानी दो गामा फोटॉन की जो टोटल एनर्जी निकलती है वो 1.024 मेगा इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। यानी जो एनर्जी होती है 1.024 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी होती है। तो यहां पर हम एनर्जी की बात नहीं करते हैं, बल्कि हमारा जो उद्देश्य है आवेश का संरक्षण। यहां देखते हैं एक यूनिट चार्ज है माइनस में, और पॉजिट्रॉन एक यूनिट चार्ज है, यानी एक यूनिट प्लस का और एक यूनिट माइनस का। अभिक्रिया के पूर्व कुल आवेश माइनस एक प्लस प्लस एक यूनिट बराबर शून्य, शून्य चार्ज हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं
गामा फोटॉन उदासीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, चाहे 10 गामा फोटॉन हो तभी कोई चार्ज नहीं होगा, अर्थात रिएक्शन के बाद जो भी चार्ज हुआ टोटल वो शून्य मिल रहा है, और रिएक्शन के पहले दोनों को ऐड करते हैं वो भी शून्य है। दिस इज नथिंग बट द कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज, इसी को आवेश का संरक्षण कहते हैं। को हम पढ़ भी चुके हैं कि आवेश की मात्रा कैसे निकालेंगे, कितनी होती है। वैसे तो परमाणु की बात करें तो वो उदासीन होता है, आवेश किसी वस्तु पर जो आवेश होता है वो अगर शून्य है, टोटल आवेश किसी परमाणु पर आवेश शून्य है तो वो परमाणु उदासीन होता है। एक्चुअली परमाणु उदासीन होता है, जैसे हम सोडियम परमाणु की बात करें N, इसका एटॉमिक नंबर जो होता है 11 और द्रव्यमान संख्या 23 होती है, तो 11 का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2, 8, 1 होता है। N इसके जो बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है जिसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। जब हम इस इलेक्ट्रॉन को हटा देते हैं किसी मेथड से तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन की कमी अगर हो रही तो उस पर वस्तु पर प्लस चार्ज शो करता है, या किसी वस्तु पर यह प्लस चार्ज शो कर रहा है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। और किसी परमाणु को हम इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो चूंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है तो निगेटिव चार्ज बढ़ जाता है, तो किसी वस्तु पर अगर निगेटिव चार्ज शो कर रहा तो इसका मतलब सीधा है कि उस पर इलेक्ट्रॉन आ गए हैं या उस पर इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। और अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उस पर धनात्मक चार्ज शो करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में कि यदि किसी वस्तु पर -12 कूलम का आवेश है तो उस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है अथवा अधिकता है, तो ऋण चार्ज अगर आ गया तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता है यहीं से शो हो जाता है कि निगेटिव चार्ज है कि पॉजिटिव है, तो वहीं से हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं, उस पर अधिकता है या कमी है। और फिर निकालते कैसे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है, माना किसी वस्तु पर n इलेक्ट्रॉन की अधिकता कम और
वस्तु पर। आवेश की मात्रा कैपिटल क्यू है, तब क्यू बराबर एन पी। एन पी से हम लोग निकालेंगे यहां पर इस चार्ज की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है तो प्लस माइनस लगा भी सकते हैं, अगर हम परिमाण की बात करेंगे तो प्लस माइनस की बात नहीं करेंगे। क्यू बराबर एन ही होता है। प्लस माइनस हम लगा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहां से देख लेते हैं क्यू बराबर कितना चार्ज है। अगर हम परिमाण की बात करेंगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा, एन ही हो जाएगा। थोड़ा करके यहां से हम N की वैल्यू निकाल सकते हैं Q बटे E। Q जो आवेश की मात्रा है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹ तैयार कर लेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है या कमी है। अगर ऋण चार्ज Q की वैल्यू ऋणात्मक है तो वहां से स्पष्ट हो जाता है कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, और अगर Q की वैल्यू पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी महसूस होती है। एक प्रॉब्लम की बात करेंगे हम लोग। प्रॉब्लम किसी वस्तु पर आवेश का मान दो दशमलव पांच कूलाम है। सॉल्यूशन की बात करें, अगर फार्मूला आप सबके पास है क्यू बराबर एन, तो यहाँ क्यू की जो वैल्यू है -2.5 कूलम। यहाँ पर चूंकि निगेटिव चार्ज है तो इससे क्लियर हो जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता, तो एन बराबर वन और E की वैल्यू आप जानते हैं 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। यहां से सॉल्व कर सकते हैं N बराबर Q अपॉन E। Q की वैल्यू कितनी है 2.5। अब यहाँ निगेटिव साइन को हम छोड़ दे रहे हैं इसलिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात करेंगे हम लोग, 2.5 × 10⁻¹⁹
पांच गुना बटे, और इसकी जो वैल्यू है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 गुना n, जो कि नंबर है तो इसकी यूनिट नहीं रहेगी, पॉइंट हटा देंगे, 25 बटे 16 गुणे 10 की घात 19 जी आ जाएगा। सॉल्व करेंगे, 16 एक बार जाए 9 बच रहा है, पॉइंट लगा के 0 लगा दें, अब 16 की टेबल देखेंगे, 5 बार जाएगा 80, 10 बच रहा, एक 0 और बढ़ाएंगे 100 हो जाए, 96 हो जाए, और भी है लेकिन 2 के बाद हम ड्रॉप कर दे रहे हैं, इंटू 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि और डिजिट छोड़ें तो लगभग लिख दें इलेक्ट्रॉन, और ब्रैकेट में अधिकता, क्योंकि क्योंकि वैल्यू निगेटिव थी। बस बच्चों आज इतना ही, और इस चैप्टर का शेष भाग जो है हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे।